लगता है। एक बार इस तरह केला का कोफ्ता बना के देखिएगा, सॉफ्ट और मुलायम बनता है। एक बार इस तरह कोफ्ता बना के जरूर घर में देखिएगा, चावल या रोटी या पराठा के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हेलो दोस्तों, आज आपको केला का कोफ्ता बनाने के लिए बता रहे हैं नए स्टाइल से। 6 पीस केला ले लिए हैं, इसको पहले काट लेते हैं इस तरह से और छिलका धीरे धीरे करके इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से छील लीजिएगा और किनारे वाला इस तरह से कट कर लीजिएगा और इसी तरह से सारा केला को छील लेना है। देखिए केला को छील लिया और साफ पानी से इसको 2-3 पानी से धो लीजिएगा। उबला हुआ केला का कोफ्ता बहुत बार बनाए होंगे, आज आपको कच्चे केले का कोफ्ता बनाने के लिए बता रहे। देखिए कद्दूकस कर लीजिए। देखिए केला को इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। 150 ग्राम बेसन लिए हैं लगभग सामग्री में। 2 मीडियम साइज के प्याज की जो चॉप बारीक करके काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर है उसको भी चॉप करके काट लिए हैं। 1 चम्मच है किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच है लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच है हल्दी पाउडर, 2 चम्मच बड़ा चम्मच है अदरक गोलकी जीरा हरी मिर्च का पेस्ट है, 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक है। बेसन में देखिए सारा केला को कद्दूकस किया हुआ इसमें डाल लेते हैं। 1/2 चम्मच देखिए अदरक लहसुन गोलकी जीरा का पेस्ट डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच स्वाद अनुसार नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है। देखिए इस तरह से इसको बेसन और केला को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी नहीं दे रहे हैं, काहे कि केला में पानी होता है इसलिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद पानी देंगे। देखिए पानी नहीं लगा, केला में पानी होता है इसलिए केला में बेसन और केला मिल गया है। देखिए सरसों का तेल गर्म होने के लिए दिए थे, सरसों का तेल गर्म हो गया है। देखिए इस तरह से नींबू का आकार में छोटा छोटा करके ले लीजिएगा और इस तरह से हाथ में पानी हल्का सा लगा के इस तरह से गोला कर लीजिएगा और इसी तरह से गोला करके सारा पकौड़ा बना लीजिए ताकि फूले नहीं। ये सारा बॉल इस तरह बना लिए हैं, अब इसको मीडियम आंच में पकाएं ताकि अंदर तक पक जाए पकौड़ा। देखिए ब्राउन होने तक पकाइएगा ताकि ये पकौड़ा टूटे नहीं। देखिए अब इसको धीरे से पलटते जाइएगा, इसी तरह से सब धीरे धीरे को पलट दीजिए ताकि पकौड़ा टूटे ना। ये पकौड़ा पक गया है, इसको निकाल लिया है, इसी तरह से सारा पकौड़ा को पका लीजिएगा, बहुत क्रिस्पी पकौड़ा बना है। देखिए कोफ्ता का मसाला तैयार करने के लिए तेल गर्म किया, तेल गर्म हो गया, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल के चटकने दे रहे हैं। जीरा चटक गया, इसमें प्याज डाल के प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये प्याज फ्राई हो गया है, इसमें सारा मसाला डाल के फ्राई कर लेते हैं। देखिए मसाला फ्राई हो गया है, तेल छोड़ दिया है, अब इसमें पानी डाल रहे हैं 1 गिलास लगभग। ग्रेवी अपना अनुसार से रखिएगा, कम या ज़्यादा। देखिए इसी में सारा पकौड़ा डाल दे रहे हैं और 5 मिनट तक ढककर पका लेते हैं। देखिए केला का कोफ्ता बन गया है, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इस तरह केला का कोफ्ता बना के देखिएगा, सॉफ्ट और मुलायम बनता है। एक बार इस तरह कोफ्ता बना के जरूर घर में देखिएगा, चावल या रोटी या पराठा के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है।